एशियन कार्निवल 02। इस वाले स्नीकर को लेकर लिटरली इतने सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए सिर्फ इसको रिव्यू करने के लिए। और तो मैं इसको सोच रहा था यार कि यार इस वाले स्नीकर में ऐसा क्या खास दे रखा है, वही जानेंगे आज के वीडियो में। मेक श्योर यार सब्सक्राइब माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर जाए। तो आप लोग को एशियन का ब्लैक वाला बॉक्स मिल जाएगा, इस तरफ टैग में सारी डिटेल्स दे रखी, जैसे कि मॉडल नेम हो गया, साइज हो गया और प्राइसिंग भी मेंशन कर रखी है। प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफर करती है जो कि मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी निकाल लेते हैं बॉक्स में से स्नीकर को। तो ये है वो स्नीकर एशियन कार्निवल 02। इनिशियल इंप्रेशन में तो ये स्नीकर मुझे काफी तगड़ा लगा है, मतलब मिड टॉप स्नीकर अभी में ट्रेंडिंग भी चल रहे हैं और उसी वजह से ये वाला स्नीकर भी मुझे काफी ज्यादा भा रहा है। कलर की बात करूं तो वैसे तो ये स्नीकर पूरा व्हाइट स्नीकर है, पर थोड़ा बहुत ग्रे कलर का टचअप दे रखा है, जैसे कि आप लोगों को लोगो में मिल जाएगा और पीछे बैक सोल में दिया गया। और वही अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट पैचेस स्टिच मिल जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर दे रखी जो कि पूरी सिंथेटिक की है। यहाँ पर जो लोगोज है वो आप लोगों को एक तो सेंटर में मिल जाएगा जो कि दोनों तरफ दे रखे, पीछे की ओर एक छोटा सा लोगो दे रखा है और एक आप लोगों को टंग पे मिल जाएगा। एक चीज आप लोगों को बताना रहेगा, ये स्ट्रैप सिस्टम वाले स्नीकर है, तो अगर आप लोगों को फुर्ती में स्नीकर पहनना है ना तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे की ओर आप लोगों को एक होल्डिंग स्ट्रैप मिल जाएगा जो कि पहनने में काफी हेल्प करता है, स्पेशली मिड टॉप स्नीकर में। अब वही अगर मैं इसके सोल की बात करूं तो सोल में आप लोगों को डबल लेयरिंग मिल जाएगी, एक तो पूरी टीपीआर की दे रखी है आउटर में और जो इसकी इनर लेयर है वो पूरी आप लोगों को रबर की मिलने वाली है। क्वालिटी यहाँ पे काफी जस्टिफाइड दे रखी है, क्योंकि अगर मैं इसे प्रेस भी कर रहा हूँ ना तो हाँ लग रहा है यहाँ पे हार्ड सोल प्रोवाइड कर रखा है। इसके सोल में आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाएंगे, जैसे कि सर्कुलर पैटर्न हो गया, लाइनिंग पैटर्न हो गया, जो कि आप लोगों के मेनली ग्रिपिंग को टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके लेसेस की बात करूं तो लेसेस आप लोगों को पूरे सिंपल और प्लेन वाले मिलने वाले हैं, क्वालिटी काफी अच्छी दे रखी है। एंड स्पेशली यहाँ पे जो काउंटर वाला पोर्शन है वो काफी सही दे रखा है, जिससे आप लोगों का जो एयर पैसेज है वो एकदम क्लियर बना रहेगा एंड यहाँ पे फॉर्म की पैकिंग भी अच्छी कर रखी है। इसके अलावा अगर मैं इसके इनसोल की बात करूं तो पूरा आप लोगों को मेमोरी फॉर्म मिलने वाला है, मैं एक बार आप लोगों को निकाल के भी दिखा देता हूं। तो कुछ इस टाइप का मेमोरी फॉर्म दे रखा जो कि प्रेस करने पर काफी ज्यादा सॉफ्ट है। राइट साइड भी फॉर्म की पैडिंग कर रखी है जो कि आप लोगों को एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस तरफ आप लोगों को डिफरेंट कंट्री के साइजेस मिल जाएंगे जो कि परचेस के टाइम हेल्पफुल रहते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पर आप लोगों को सोल की ड्यूरेबिलिटी को लेकर कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सोल है उसको आउटर से ग्लूड भी कर रखा है, स्टिच भी कर रखा है, तो इसको अगर आप लोग निकालना भी चाहे तो नहीं निकलने वाले हैं, ये काफी ड्यूरेबल रहने वाले हैं। इसके वेट की बात करूं तो स्नीकर का वेट है अराउंड कुछ 390 ग्राम्स, अराउंड 400 ग्राम्स के, तो इसको मैं थोड़ा सा वेटेड बोलूंगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, एकदम सेंटर का भी नहीं कह सकते, पर हाँ जितना यहाँ पे मटेरियल यूज कर रखा हैवी वाला उस हिसाब से इसका वेट काफी सही है। इसके अलावा अगर मैं इसके फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो आप लोग देख ही सकते हो ये शू कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्रंट से भी इजीली फ्लेक्स हो जाते हैं, पीछे से भी इजीली फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये शू बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं। क्रीसेस यहाँ पे थोड़े बहुत पड़ेंगे क्योंकि सिंथेटिक दे रखा है, विद टाइम बढ़ भी सकते हैं। इसके अगर मैं वॉकिंग टेस्ट की बात करूं तो फिटिंग के मामले में ये शू एक्जैक्टली फिट है, मेरे साइज से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड वॉकिंग की बात करूं तो वॉकिंग में क्या ही कंफर्टेबल थे, हर स्टेप पे मुझे यहाँ पे पैडिंग फील हो रही थी और तो यहाँ पे ग्रिपिंग भी काफी तगड़ी दे रखी है। इस स्नीकर को आप लोग इंडोर एक्टिविटी वगैरह में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि बास्केटबॉल वगैरह हो गया या फिर थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई। अब स्नीकर को जैसे ही मैंने पहना था ना यार लुक वाइज तो ये मुझे बहुत तगड़े लगे। आप लोग ब्लू ब्लैक कोई भी जीन्स वगैरह डाल रहे हो तो बहुत ही अच्छा पेयरअप हो जाएगा एंड सभी आउटफिट के साथ बहुत सही लगने वाले हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो है एक्जैक्टली 1000 रुपीज, लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के साथ टैग भी कर रखिए। फाइनल वर्डिक्ट में एक ही चीज बोलूंगा, 1000 रुपए का बजट है, मिड टॉप स्नीकर लेना है वो भी व्हाइट वाला, तो इसको ले लो, मतलब सोचना ही मत, इतना अच्छा स्नीकर लगा है मुझे। आउटर आप लोगों को पूरा सिंथेटिक का मिल जाएगा, इनसोल यहाँ पे मेमोरी फॉर्म दे रखा और जो इसका आउटसोल है वो आप लोग को रबर का मिल जाएगा, और क्या लोगो यार 1000 रुपए में। और तो आप लोग इस स्नीकर को पार्टी वगैरह में यूज कर सकते हो, कैशुअली यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारे स्नीकर रिव्यू लेके आने वाले हूँ, हॉल लेके आने वाले हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कौन से स्नीकर का रिव्यू चाहिए या फिर कोई हॉल की रिकमेंडेशन भी चलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।